हेलो बच्चों, आपका स्वागत है अन अकेडमी के चैनल नी ट्यूजेंट 10 पे। इस चैनल में आपको बच्चों मीन आपका विद इन 10 मिनट्स पे आपको कोई टॉपिक बताया जाएगा। आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप कम टाइम आप में आप क्या चीज़ें को सीखेंगे। मेरा नाम बच्चों आदित्य कुमार, मैंने बीटेक है, मेरी ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बच्चों मैं 6+ ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैंने करियर पॉइंट कोटा में पढ़ाया, फिर आज साउथ एक्स न्यू दिल्ली में पढ़ाया। अब मैं अन अकेडमी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। अन अकेडमी के बारे में सबको पता है कि ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर हैं जो IIT डॉक्टर्स आपको एजुकेट करते हैं। तो बच्चों इसके सब्सक्रिप्शन की बातें करते हैं हम, तो क्या करेंगे कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को टाइप कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए और यहाँ गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। और इसके कुछ फीचर्स के बारे में देखते हैं, तो लाइव क्लासेस होगी डेली, आपकी लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होगी लाइव डेली। लाइव क्लासेस में आप डाउट कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, आपको कोर्सेज टाइम पे खत्म किया जाएगा, सिलसिलेवार ढंग से खत्म किया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस, इसका एक्सेस बच्चे अनलिमिटेड है। मीन्स आप यदि लाइव क्लासेस आपका चल रहा है तो आप रिकॉर्डेड जो लेक्चर रहेगा वो आप अपने जैसे 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वो उतने दिनों तक आप कभी भी देख सकते हैं। अब इसके चार्जेस की बात करेंगे तो 1 मंथ का चार्ज है 5,400। वही देखिए 12 मंथ का कितना है, 2,250, और 24 मंथ का 1,350। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म्स का क्या है, आपका कम लग रहा है तो आप क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म्स का लीजिए। और सारे किसी भी तरह के कोर्सेस आप जब ले रहे हैं तो आप मेरा कोड आदित्य यूज कीजिएगा तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, जो इस मैं क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ कि आपको जो नीट में है, दो ब्लॉक के बीच में आपको मतलब रखा जाएगा, एक ब्लॉक पे फोर्स लगेगा तो आपसे पूछेगा कि दूसरे वाला कब तक साथ में चलेगा, क्या कंडीशन है। और मान लो साथ में नहीं चल रहा है तो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट जो एक्सेलरेशन होगा वो बताएं। तो क्वेश्चन से हम डिस्कस करता हूँ बच्चों इस कंसेप्ट को। देखिए यहां सरफेस ले लिया मैंने, एक ब्लॉक ये दूसरा ब्लॉक, मान लीजिए 5 kg और ये 10 kg। कोफिशिएंट रिएक्शन म्यू है बच्चों 0.5। ठीक है, अब मैंने माना बच्चों यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, केसेस से देखते हैं बच्चों, ये स्मूथ है, म्यू यहाँ क्या है 0। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आप देखते हैं F कंडीशन से हम डिस्कस करते हैं। यदि F पहले केस में बच्चों मान लीजिए 30 न्यूटन है, ठीक है, दूसरे केस में मान लीजिए बच्चों F आपका 60 न्यूटन, और थर्ड मान लीजिए आपका F कितना है 75 न्यूटन। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे ना, जो मैं क्वेश्चन अभी ये सॉल्व कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। हर क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला केस मान रहे हैं, पहला लेके चल रहे हैं बच्चों कि F इक्वल टू 30 न्यूटन। ठीक है, तो 30 न्यूटन है F, तो मैंने माना कि ये साथ में दोनों चल रहे हैं। तो 5 kg का FBD बनाइएगा आप, 5 kg ब्लॉक का। तो मान लीजिए कि F इधर होगा, अच्छा बताइए ये इधर इसको पुश कर रहा है तो ये इसको रोकना चाहेगा, तो इसमें जो फ्रिक्शन का फोर्स ये किधर लगाएगा, 10 kg वाला ब्लॉक ये इधर लगाएगा F। चलिए अब 10 kg वाले ब्लॉक का FBD बना रहा हूँ मैं, 10 kg वाले ब्लॉक का मैंने FBD बनाया। बच्चों बताओ ये हमेशा क्या होता है, रिलेटिव मोशन, मतलब फ्रिक्शन का अपोज करना चाहेगा। अब ये इधर जा रहा है तो इस पर ये फ्रिक्शन इधर लग रहा है, तो न्यूटन स्टर्ट लॉ इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन का फोर्स ही लगाएगा, तो इस पर ये फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगा, और कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। अब देखते हैं मोशन, F इक्वेशन लीजिए, माइनस स्मॉल m इंटू मास इंटू एक्सलरेशन। उसी तरह ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। मैंने क्या माना बच्चों कि साथ में चल रहा है, तो बताइए साथ में चल रहा है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, साथ में चल रहा है सिस्टम का एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका टोटल फोर्स बाय टोटल मास। एफ क्या है आपका 30 न्यूटन, मास कितना है 10+5 15, तो कितना 2 m/s2। चलिए ये हम लेके चल रहे हैं, अब इसका यूज कीजिए तो यहाँ पे बताइए, तो यहाँ रख देते हैं F इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 mass × acceleration + F। ये आ गया, ये कितना था अब, F कितना था बच्चों 30 न्यूटन माइनस मास कितना है 5 पहले वाले का, इंटू ए कितना 2
इक्वल टू एफ। बताइए तो फ्रिक्शन का फोर्स यहाँ से क्या आ गया आपका, फ्रिक्शन का फोर्स आ गया बच्चों एफ इक्वल टू आपका आ गया 20 न्यूटन। यहाँ पर जो फ्रिक्शन का फोर्स है 20 न्यूटन है। तो बताइए तो ये फ्रिक्शन का फोर्स है, तो मैं चेक कैसे करूंगा यदि दोनों ब्लॉक के बीच में कॉन्टेक्ट रहेगा या नहीं रहेगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन याद कीजिए, स्टैटिक का मैक्सिमम क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लें, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ एल इक्वल टू म्यू एन, इसका मतलब म्यू कितना 0.5, एन कितना बच्चों ये एन, ये वाला इस ब्लॉक का इसका जो वेट रहेगा क्या लिख देंगे म्यू एम जी, एम जी कितना है 5 × 10, इसको कैलकुलेट कीजिए तो एफ एल कितना आ गया 25 न्यूटन। तो हमेशा याद रखिए यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, हमेशा 25 न्यूटन है। इससे यदि फ्रिक्शन जो आप निकाल रहे हैं कम है तो इसका मतलब ब्लॉक साथ में चलेगी, यदि इससे ज़्यादा हो गई तो ब्लॉक साथ में नहीं चलेगी। अब देखिए तो कंपेयर करते हैं एफ फ्रिक्शन क्या आया है, एफ यदि आपने 30 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स माना है, आपको फ्रिक्शन का फोर्स कितना है 20 न्यूटन, इसका मतलब यहाँ एफ एल क्या है बच्चों ज़्यादा है, इसका मतलब ये ब्लॉक साथ में चलेगी, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये सही है। ठीक है आगे चेक करते हैं, चलिए एफ इक्वल टू बच्चों मैं मान लेता हूँ 75 न्यूटन, 60 न्यूटन कब चेक कीजिएगा, 75 न्यूटन लगा ले, जल्दी से बताइए इसका एबीडी बना लेते हैं, ये 5 kg का है, ये आपने 75 न्यूटन लिखा। ठीक है अब बताइए फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगेगा 10 kg का, बताइए 10 kg का जल्दी से निकाल लेते हैं, 10 kg का है तो ये इधर लगा रहा है तो इस पर किधर लगाएगा, ये फ्रिक्शन का फोर्स इधर लगा। अब 75 है, अब मान मैंने क्या बोला, ये थर्ड केस है, मैंने माना कि मान के चलना है कि साथ में चल रहा है, साथ में यदि चल रहा है बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल फोर्स बाई टोटल मास, तो कितना आ गया 5 m/s². चलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें पता है ऑलरेडी, एफ एल कितना है 25 न्यूटन, अब हम चेक करते हैं। ठीक है अब देखिए इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे, इधर 75 - f = 5 × a, 5, तो है फ्रिक्शन कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, फ्रिक्शन आ जाएगा आपको बच्चों 75 इधर चला जाएगा 75 - 25 आपका कितना आ गया 50 न्यूटन आ गया। बताइए तो एफ 50 न्यूटन स्टैटिक से ज़्यादा है ना, तो ये साथ में चलेगा कि नहीं, ये साथ में मूव नहीं करेगा, मतलब आपने जो एक्सेलरेशन माना है कॉमन ये गलत है। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा अलग अलग, इसका मान के चलेंगे हम, इसका एक्सेलरेशन मान के चलिए A1, इसका क्या लिख मान के चले A2, तो A1 की वैल्यू निकालनी है बच्चों, इस इक्वेशन में रख दें 75 - f, अब क्या लिखेंगे यहाँ FL, और मास कितना है 5 × a1, तो कितना हो गया 75 FL, अब 25 क्योंकि हमें उतना ही फ्रिक्शन मैक्सिमम फ्रिक्शन पता है तो उसको यूज करेंगे इक्वेशन में, अब एफ 5 × a1, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई 10 m/s². चलिए उसी तरह A2 बताइए, A1 आ गया, यहाँ A2 देखिए बच्चों, A2 का इक्वेशन क्या आया है, F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू आपको मास इंटू एक्सेलरेशन, इस पर रखे देंगे तो मास कितना है 10, लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ भी लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको F कितना है बच्चों लिमिटिंग फ्रिक्शन 25, तो A2, तो A2 कितना आ गया आपको 25/10, तो कितना 2.5 m/s², इसका मतलब A1 आ गया आपको एक तो 10 m/s², A2 कितना आ गया आपको 2.5 m/s² है कि नहीं। ठीक है इस तरह से क्वेश्चन को करें बच्चों, अब मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा कुछ टॉपिक से, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक से, फ्रिक्शन से, तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। ठीक है तो मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट आपको वीडियो में।